जय जगन्नाथ जय श्री राम। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की अर्थात रुक्मणी विवाह, श्री कृष्ण जी आज रुक्मणी को विवाह करेंगे। आज एक पवित्र दिन है और आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम में श्रद्धालु, लाखों लाख श्रद्धालु लोग आते हैं। ये उत्सव को पालन करने के लिए ये महाप्रभु जी कैसे शादी करेंगे, इस विषय में जानने के लिए और इस खुशी में महाप्रभु जी के साथ रहने के लिए आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के रुक्मणी विवाह का विधि है। इसीलिए आगे जानेंगे इस विवाह कैसे संपूर्ण होता है। उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ जी के आज रुक्मणी विवाह अर्थात ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि में ये पवित्र दिन माना जाता है। आज के दिन श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी को विवाह किए थे हरण करके। प्रभु जगन्नाथ जी चारों युग अर्थात सत्य, द्वापर, त्रेता और कली, ये तीनों युग को मिला के कली युग को अंदर में देखे, चारों युग में जो महाप्रभु जी यहाँ पर मानव लीला करते हैं, जो तीनों युग में महाप्रभु जी जो रिचुअल्स किए हैं जगन्नाथ जी के धाम में, वही रिचुअल्स होता है क्योंकि स्वयं महाप्रभु जी विष्णु जी है। इसीलिए सब विधि विधान सब जगन्नाथ जी के धाम में तीनों युग जहाँ पर महाप्रभु जी सत्य, द्वापर, त्रेता में जो लीला किए हैं जगन्नाथ जी के धाम में वो करते हैं, प्रत्येक रिचुअल्स, प्रत्येक परंपरा। इसीलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के आज रुक्मणी हरण एकादशी, रुक्मणी को कैसे हरण करेंगे आज जब ये बात आता है तब द्वापर युग का बात आ जाता है कि तो पता है द्वापर युग में कैसे नीलाधर अपने नीला को विस्तार किए थे, अपना प्रेम हो या युद्ध हो या जो भी कोई महाप्रभु जी विधि विधान किए थे, आज कलि युग में श्री जगन्नाथ जी के रूप में वो लीला फिर से रचाते हैं श्री जगन्नाथ जी के धाम में। और आज रुक्मणी हरण एकादशी है इसीलिए महाप्रभु जी का स्वतंत्र पूजा विधि रहता है। कैसे द्वापर युग में जब रुक्मणी हरण को रुक्मणी जी को हरण किए थे, जैसे प्रथम जो प्रेम पत्र है वो रुक्मणी जी श्री कृष्ण जी को दिए थे, कैसे दिए थे, जैसे द्वापर युग में शिशुपाल को परास्त करके रुक्मणी जी रुक्मणी माँ को हरण करके श्री कृष्ण जी विवाह किए थे, ऐसे ही सेम महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम में अनुष्ठित होगा। कैसे होगा ये तो आपको पता नहीं, मैं हूँ आपको बताने के लिए क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि जगन्नाथ जी के प्रत्येक रिचुअल्स, प्रत्येक परंपरा हमारा कर्तव्य बन जाता है आपको सामने प्रस्तुत करने के लिए। जैसे हम सनातनी हैं, आप भी सनातन हो, विश्व में जो भी जगन्नाथ जी का भक्त है वो जाने श्री जगन्नाथ जी का महिमा कैसे अपरंपार है। तो महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के लक्ष्मी के स्वरूप रुक्मणी माना जाता है। जैसे जगन्नाथ जी के सकल दुख समाप्त के बाद लक्ष्मी जी जो बेढ़ा लक्ष्मी मंदिर है, लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी से जो जगन्नाथ जी के पास जो लक्ष्मी जी विराजमान होते हैं प्रत्येक दिन, और जो महाप्रभु जी के प्रत्येक रिचुअल्स में शामिल होते हैं, जगन्नाथ जी के हाथ में बैठते हैं, वो लक्ष्मी जी बेढ़ा लक्ष्मी जी के मंदिर के अंदर जाएंगे महाप्रभु जी की आज्ञा माला प्राप्त करके। लक्ष्मी जी के मंदिर के अंदर जो लक्ष्मी जी के माजना नीति होगा, माँ का संपूर्ण अलंकार पहना जाएगा महाप्रभु माँ यहाँ पर विराजमान करेंगे लक्ष्मी जी को, और उसके साथ कैसे श्री कृष्ण जी उनको हरण करेंगे, एक प्रेम पत्री जो प्रेम पत्ता है, जो लव लेटर इंग्लिश में जो बोलते हैं, वो प्रथम जो लव लेटर है श्री कृष्ण जी को वो लिखेंगे, कैसे हमको हरण करेंगे, आपको मैं शादी करना चाहता हूँ, ऐसे एक प्रेम पत्री श्री कृष्ण जी को लिखेंगे, ये सेवायत लोग लिखेंगे, माँ को समर्पण के बाद माँ का हाथ जो होता है, हाथ में जो चिट्ठी लेके माँ का स्पर्श करके माँ उसको स्पर्श करेंगे और माँ लक्ष्मी जी उनको मदन मोहन जी अर्थात जगन्नाथ जी का जो प्रतिरूप जो ये शादी महाप्रभु जी करेंगे, जगन्नाथ जी का प्रतिमूर्ति होते हैं मदन मोहन जी, तो उनको उनके पास जाएगा, वो पत्रिका पढ़ेंगे। वो बाद जो गणेश जी के पास मदन मोहन जी जाएंगे और छुप के बैठेंगे, और उसके बाद में विमला देवी असद जो उस पत्रिका में लिखा होगा कि मैं जब मेरे कुल देवी गौरी माँ को दर्शन करने के लिए जाऊँगा उस समय मुझको हरण कर देंगे, इसी जो लेटर पढ़ेंगे प्रभु, इस तरह प्रभु जी अर्थात मदन मोहन जी छुप के गणेश जी के गणेश मंदिर में छुप के रहेंगे। उसके बाद में जब
माँ का जब विमला माँ का पूजा अर्चना समाप्त के बाद लक्ष्मी जी अपने कुल देवी अर्थात गौरी माँ को दर्शन करने के लिए जाएंगे, अर्थात विमला माँ को दर्शन करने के लिए जब जाएंगे, विमला माँ का आरती होगा, पंडित जी आरती करेंगे, उसके बाद में जब अंदर में विमला माँ का जब पूजा विधि रुक्मणी जी करेंगे, जब पूजा विधि समाप्त के बाद जब मंदिर से लौटेंगे तब नंदीघोष रात में मदन मोहन जी जाएंगे और रुक्मणी जी को हरण कर देंगे, अपने रथ के ऊपर में विराजमान करके जाएंगे। तब मंदिर के बेढ़ा में जो सरस्वती मंदिर है उसके अंदर में शिशुपाल जी होगा, शिशुपाल जी के साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि वो शिशुपाल जी को शादी करने शिशुपाल जी रुक्मणी जी को शादी करने के लिए उसका सब बंदोबस्त हो गया था उस समय श्री कृष्ण जी हरण कर देंगे। तब शिशुपाल जी के साथ युद्ध होगा, शिशुपाल जी के साथ श्री कृष्ण जी का युद्ध होगा, श्री कृष्ण जी शिशुपाल जी को परास्त करेंगे और उसको बांध के रख देंगे। उसके बाद में बलदेव भैया अर्थात दाऊ भैया आएंगे और शिशुपाल जी को जैसे केस कॉम्प्रोमाइज होता है ऐसे ही दाऊ भैया उनको बंधन से मुक्त करेंगे शिशुपाल जी को। उसके बाद में मदन मोहन जी और लक्ष्मी जी संध्या दुख समाप्ति के बाद बड़ी मतलब हिंदू रीति रिवाज से जैसे रुक्मणी जी और मदन मोहन जी के शादी होगा, उसके महाप्रभु जी के जगन्नाथ जी के पास लक्ष्मी जी और मदन मोहन जी सिंहासन पर विराजमान करेंगे और दैनंदिन नीति जो महाप्रभु रिचुअल्स होता है वो आगे बढ़ेगा। यही है श्री जगन्नाथ जी का रुक्मणी विवाह का कथा। ये तो बहुत छोटी सी मतलब शॉर्टकट में आपको बता दिया, बहुत बड़ी रिचुअल्स होता है, बहुत बड़ी परंपरा होता है। ये वीडियो के माध्यम में थोड़ा दिक्कत हो जाता है बोलने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो है, आपको आपके लिए एक छोटा सा सब काट कूट कर छोटा सा अध्याय बन के आपके सम्मुख भाग में मैं लाया हूँ, प्रस्तुत किया हूँ जगन्नाथ जी के ये पवित्र शादी के कथा मतलब रुक्मणी विवाह जी का रिचुअल्स। तो हमारे वीडियो जब अच्छा लगते हैं आपको तो दिल से कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखना, फेसबुक में भी आपका जो सपोर्ट है, फेसबुक में भी आपका जो हमारे ऊपर में विश्वास है, मिलियन व्यूज का आसपास प्रत्येक वीडियो आपके वजह से मिलियन जाता है, क्योंकि आप देखने के लिए इच्छा प्रकट करते हो। यही सेम चैनल सेम नाम में मेरा यूट्यूब चैनल है, तो चाहे तो आपके मर्जी में सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हमको आपका एक सब्सक्राइब हमको प्रेरित करता है कि अगले और एक वीडियो बनाने के लिए। तो इस तरह महाप्रभु जगन्नाथ जी का शादी के विषय में आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।